सभी लोग आपकी दुआ से मैं भी पीछे बिल्कुल अच्छी हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है, लोग बहुत ही स्ट्रेस में हैं, कुछ हेल्थ की वजह से और कुछ अपनी डेली रूटीन की वजह से। तो आज मैं जिस खास टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूँगी जिससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और आपकी डेली रूटीन लाइफ भी अच्छी होती है। कि हमारी रूटीन लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है और बिज़ी लाइफ होने की वजह से कई बार हमारे माइंड में बहुत ही स्ट्रेस रहता है। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें बहुत सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं और हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। कई बार बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इवनिंग में बाहर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत सारे लोग अपने घर में ही कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे स्ट्रेस कम हो। इसको कम करने के लिए कई बार हम बहुत कुछ करते हैं। तो आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसको एक आर्टिस्ट ही नहीं, एक कलाकार ही नहीं, कोई भी बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक उसको कर सकता है और इससे आपकी हेल्थ पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आर्ट थेरेपी आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं या जहाँ पे भी हों आप इस थेरेपी को ईजिली कर सकते हैं। देखिए आर्ट थेरेपी है क्या? आर्ट थेरेपी का मतलब पेंटिंग बनाने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट थेरेपी में आप स्केचिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, स्क्रोलिंग कर सकते हैं और साथ ही आप कलर का फ्लूट कलर खाली कलर बिखेर सकते हैं। उस वो भी एक अपने शेप में आता है, आपके माइंड में जो स्ट्रेस होता है वो उस बाहर निकलता है, आपका माइंड एक जगह डेवलप हो पाता है। और सबसे बड़ी बात कि क्रिएटिव काम को करने में एक स्ट्रेस होना हमारी डेली रूटीन में हमारी हेल्थ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप आर्ट थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स में भी आर्ट थेरेपी करवाई जा रही है, बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी लग रहे हैं जिसमें आर्ट थेरेपी का यूज़ हो रहा है और इनफैक्ट मेडिकल लाइन से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्टर एडवाइज़र कंसल्टेंट भी आर्ट थेरेपी को। ये बहुत ही ज़रूरी है हमको फिट रखने के लिए, हमारी हेल्थ अच्छी होने के लिए और हमारा माइंड पीसफुल होने के लिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत परफेक्शन के साथ काम करें या बहुत ही परफेक्ट काम हो, आप कुछ भी कीजिए, आप स्केचिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त आर्ट थेरेपी के लिए ज़रूर निकालें और देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको इसमें एक अलग सुधार, एक पीसफुल और एक फ्रेशनेस नज़र आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इससे जुड़े और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।